तो फ्रेंड्स, मैं अपने MI Note 5 के डिस्प्ले पे हूँ। आप देख पा रहे हो, ये मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ये MI Note 5 है। तो फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आप इस फ़ोन में किसी भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं, मतलब छिपा कैसे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई भी अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। आपको सिंपली क्या करना है ये मैं आपको आज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये पबजी मोबाइल है ना लाइट, ये पबजी मोबाइल मैं आज इसे हाइड करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे अभी शो हो रहा है पबजी मोबाइल लाइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में चले जाना है। ये आप सेटिंग देख रहे हो, सेटिंग सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे नीचे आ जाना है। सेटिंग के बाद आपको ये है ना ऐप लॉक, इस पर क्लिक करना है। ये जो परमिशंस के नीचे है ऐप लॉक, उस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपने देख लिया ऐप लॉक, तो इस पर क्लिक कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ये आप ये देख पा रहे हो, ये सेटिंग ऊपर में, सबसे ऊपर में जो है। तो फ्रेंड्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है सिंपली। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये आप देख रहे हो हिडन ऐप्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा हिडन ऐप्स का, आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने ऑन कर दिया। तो ऑन करने के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके नीचे मैनेज हिडन ऐप्स है, मतलब आप कौन कौन से ऐप को हाइड करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आप जिस जिस ऐप को हाइड करना चाहते हो आप उसको सिंपली ऑन कर दो। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इस पर क्लिक कर दिया और मैं अब ढूंढूंगा कि मेरा पबजी मोबाइल लाइट कहाँ है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा पबजी मोबाइल लाइट। तो फ्रेंड्स, मैं इसको अब ऑन कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑन करने के साथ अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि ये ऐप हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो यहाँ यहाँ मेरा पबजी लाइट था। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ से हाइड हो चुका है, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अब ऐप नहीं है, ठीक है, अब ये ऐप हाइड हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि हाइड तो कर देंगे लेकिन फिर हम ऐप का यूज़ कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, आपको सिंपली अपने दोनों ही दो फिंगर को अपने फ़ोन पे रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ़ोन पे रखना है और दोनों को खींच देना है ऐसे। तो फ्रेंड्स आपको ये खुल जाएगा, ठीक है, आपको आपका जो हाइड ऐप होगा वो हाइड ऐप फ्रेंड्स खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या करना है। आपको फ्रेंड्स अपना दोनों फिंगर को रखना है अपने डिस्प्ले पे, मतलब एक थंब आपका होना चाहिए और एक थंब के बाद जो फिंगर आती है वो फिंगर आपको रखना है अपने फ़ोन पे। और फ्रेंड सिंपली सिंपली आपको को क्या करना है, फ़ोन पे रखना है और दोनों को खींच देना है, मतलब दोनों को अंदर नहीं खींचना है, दोनों को बाहर खींचना है, दोनों को रखना है और दोनों को ऐसे खींच देना है। तो खींचने के साथ ही आप जो ऐप को हाइड किए होंगे उसका आपके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली उसको खोल के, और ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये पबजी मोबाइल लाइट, ये यहाँ पे ऐप है। तो फ्रेंड्स, सिंपली अगर इसको आप अगर हटाना चाहते हो तो फ्रेंड्स फिर से आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आप जाओ, सेटिंग के बाद फिर ऐप लॉक में आओ। ऐप लॉक में फिर फ्रेंड्स जिस ऐप को आपने हाइड किया है, फिर आप सेटिंग में आके और उसको हाइड को ऑफ कर दो। तो फ्रेंड्स, आप फिर से आप देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा ये पबजी मोबाइल लाइट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मुझे बताइए प्लीज़ कि कैसे कैसे हाइड करते हैं MI Note 5 में। और फ्रेंड्स, मुझे खुद भी ये प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए ये वीडियोस बना दिया जाए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई फ्रेंड MI Note 5 यूज़ करता है तो फ्रेंड्स उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, तो फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।